हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ तेजश्री और वेलकम बैक टू तेजश्री की दुनिया। आज का वीडियो मैं हिंदी में बनाने वाली हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आज का वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, स्पेशली हमारी जो लेडीज़ फ्रेंड्स हैं और जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं उन तक, क्योंकि अभी कॉलेज स्टार्ट हो गया है और एक हम कॉलेज जाने के टाइम हम एक बेसिक मेकअप लगाते हैं। तो बेसिक मेकअप का मतलब है आई लाइनर और लिपस्टिक। बहुत से मुझे लगता है 70% लड़की लोग तो यही लगाते हैं। मैं भी मेरे कॉलेज डेज में सिर्फ ये दोनों चीज़ ज़रूर लगाती थी। तो अभी लिपस्टिक तो हमें फ्लॉन्ट कर नहीं सकते क्योंकि हम मास्क लगाते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे हमारे आई लाइनर पर। तो यस, आज के वीडियो में मैं आपको एक बेसिक आई लाइनर कैसे अप्लाई करते हैं वो दिखाने वाली हूँ। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि आपको ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप मेरा वीडियो देख के आई लाइनर लगाना स्टार्ट कर रहे हो तो एक बार कोशिश कर हार मत मानिए कि बार में नहीं लगा सकते, उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस लगती है। तो यस, आप प्रैक्टिस करते रहिए। मुझे लगता है प्रैक्टिस करने से आप बहुत अच्छे आई लाइनर लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बेसिक टिप्स देती हूँ कि हम कैसे स्टार्ट करते हैं आई लाइनर लगाना। तो यहाँ पर मैंने आँखों पर एक बेस लगा लिया है, तो मैंने कंसीलर लगा के इसके ऊपर पाउडर लगाई है। आप फाउंडेशन भी लगा सकते हो या फिर आप सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर, ये जो रेगुलर आपके घर पे पाउडर आप यूज़ करते हो टैल्क, वो भी लगा सकते हो। इसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे कॉलेज टाइम पे मैं सिर्फ अपनी जो बेसिक पाउडर टैल्क रहती थी पॉन्ड्स की या फिर दूसरी कौन सी, तो वो लगा तो उसके ऊपर ही मैं लाइनर अप्लाई करती थी। मुझे तो कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, बट हाँ, आपको अगर बेस लगाना है तो आप लगाइए। हाँ, बट अगर आपको किसी फंक्शन में वगैरह जाना है और आपको लाइनर लगाना है तो प्लीज़ आप बेस लगाइए। कॉलेज के लिए, कॉलेज जाने के लिए आपको ये बेस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने ये वाली आई लाइनर ली है, ये आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगी। आप लैक्मे के जो बेसिक आईलाइनर रहती है ऐसे कांच की बॉटल, वो भी यूज़ कर सकते हो, या फिर अभी जो पेंसिल आईलाइनर्स या फिर जो स्केच पेन टाइप आईलाइनर्स आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो। बट मुझे इजी वे लगता है वो ये है, लिक्विड आईलाइनर। तो चलिए अभी तो सबसे पहले हमें आईलाइनर लेके जो एक्सेस आईलाइनर है ब्रश पे उसको हटा देना है। और ये देखिए, हमें यहाँ मिडल से स्टार्ट करना है। यहाँ पे मिडल से लेके मैंने ये यहाँ पे एंड किया है, देखो। और दो तीन बार मैं ऐसा उसको ये कर रही हूँ ताकि ये डार्क लगे। ये देखिए, और अभी यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। कभी भी लाइनर लगाने के टाइम आप मिडल से ही स्टार्ट कीजिए क्योंकि आपको इसके, अगर आप मिडल से स्टार्ट नहीं करोगे तो आपको अंदाज़ा नहीं आएगा। आप अगर मिडल से स्टार्ट करोगे तो आपको अच्छे से अंदाज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक आईलाइनर अप्लाई कर दी, देखिए। बट आपको इसको विंग्स आईलाइनर करना है तो भी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको ये वो भी दिखा देती हूँ। तो विंग्स के लिए मैं यहाँ से ये थोड़ा सा ब्रॉड कर दूँगी और इसको एंड तक लेके जाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने आईलाइनर को विंग्स भी कर दी है। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। तो ये विंग्स करना भी बहुत इजी वे है। तो अभी मैं दूसरे आंखों पे भी ये अप्लाई कर देती हूँ।
तो इस तरह से हम लाइनर अप्लाई करेंगे, बहुत ही इजी वे है। और इसको 2 से 3 मिनट दीजिए आप ड्राई होने के लिए। लाइनर अप्लाई करने के बाद अगर आपके पास मस्कारा है तो आप अप्लाई कीजिए, अगर नहीं है तो नहीं किया तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैं ये मेबलिन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, तो ये सिंपल वे में मेरा लाइनर अप्लाई करके हो गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और देखिए आपकी आंखें बहुत ही अच्छी दिखती है जब आप लाइनर लगाते हो। अगर आप कुछ भी मेकअप नहीं कर रहे हो, सिर्फ लाइनर लगा रहे हो, तो भी आपको बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लीजिए। बट अभी बाहर हम लोग मास्क लगाते हैं तो लिपस्टिक भी दिखती नहीं है, तो लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। आपको अगर पूरा आई मेकअप चाहिए या फिर आपको पूरा फेस मेकअप चाहिए तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगी, जो बेसिक है वो आपको समझा दूंगी। जिन्होंने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरे नए व्यूअर्स है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं भी थोड़ी मोटिवेट हो जाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करूँ। तो चलो फिर दूसरे वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।